जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह की शुरुआत हो गई है हमारे अपने काम धाम से और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे पौधों की देख रेख से। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा वाले हमारे अपने काम हो गए हैं, मॉर्निंग वॉक करके हम आ गए हैं। और बाहर ना देखिए, थोड़ी थोड़ी कोहरा भी आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि अब लखनऊ में काफ़ी ठंड पड़ने लगी है और हमारे जितने भी पौधे हैं ना, इस बेचारे ठंड के मारे ना सब मुरझाए जा रहे हैं। और देखिए पीली पीली कितनी पत्तियां निकल रही हैं, तो जितनी भी पीली पत्तियां थी ना हमने सब निकाल लिया है। इसके बाद ये बाहर की बाउंड्री भी पोंछ लेते हैं और हम धुलाई भी कर लेते हैं। बच्चे भी हमारे आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि इन लोगों की है छुट्टी और हमारे पति देव का है आज फास्ट, क्योंकि दिन है आज मंगलवार। और जब इनका फास्ट रहता है ना, तो सुबह से भोजन की इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। बच्चों के लिए हमको बनाना है, तो आज हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए बनाएंगे अजवाइन वाली पूड़ियाँ, अजवाइन नमक डाल करके और आटा गूंद करके। तो यहाँ हमने धुलाई कर लिया, मनु भी जग गए हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं आप लोगों से, और उठते ही ना बोलते हैं पापा जी से, सबसे बोलेंगे बोलिए जय श्री राम। तो बच्चों को ना शुरू से सब यही पूजा पाठ अपना सिखाते रहते हैं, हमको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हमने आटा भी गूंद लिया था, अजवाइन की कचौड़ियाँ इन लोगों को बना करके पहले खिला देते हैं। और बच्चों को भी ना अजवाइन की कचौड़ियाँ बहुत ही पसंद हैं और हमारे नंदोई जी भी हैं तो उनको भी दे आते हैं गर्मा गर्म अजवाइन की कचौड़ी और अदरक वाली चाय। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए क्योंकि ठंडी में ना इसी तरह का आइटम अच्छा लगता है, खुद भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह से आपकी दीदी तो बिल्कुल नहीं इस तरह का आइटम खाती है, हमारे लिए तो भुना हुआ काला चना है वही काफ़ी है। तो यहाँ जल्दी पहले सबको दे करके आते हैं, इसके बाद अपने लिए भी छानते हैं चाय। और आज की धूप ना बहुत ही अच्छी निकली हुई है तो हम सोच रहे हैं छत में ही चलें, सबके साथ बैठ करके आराम से चाय का आनंद लेते हैं। और वैसे भी ना ठंडियों में छत में ही बैठ करके, यानी धूप में ही बैठ करके चाय पियो ना, तो उसका कुछ आनंद ही अलग है। तो यहाँ पर अपना भुना हुआ चना भी ले आए हुए हैं और सामने हमारे नंदोई जी भी बैठे हुए हैं, तो उनसे अपनी बातें भी हमारी हो रही हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब चाय हम पीते रहें और हमारे पास कोई बैठा रहे, हम उनसे बातें करते रहें और चाय पीते रहें। थोड़ी सी धूप में बैठे नहीं, इतनी अच्छी आज धूप निकली है, सिलेंडर वाले भैया आ गए, यानी सिलेंडर लेकर के आ गए, तो चाय पहले ले लेते हैं सिलेंडर। सो गाइज, आप लोगों से बताएं, वो जो सिलेंडर वाले पाइप है ना, जिसमें अब यानी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पाइप तो पड़ गए हैं लेकिन अभी पूरी तरह से ना फिटिंग नहीं हुई है। जब फिटिंग हो जाएगी ना तो ये गैस सिलेंडर वाला भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लहसुन छील लिया है, डाल देते हैं कड़ुआ तेल, इसके बाद डाल देते हैं लहसुन। तेल हमारा पक गया लहसुन वाला, अब इसको लेकर के चलते हैं छत में, वहीं तीनों लोग बैठे हुए हैं तो वहीं धूप में ही डालते हैं इनके कानों में तेल। आज सुबह से ना कपड़ों की भी धुलाई काफ़ी हो गई थी, तो जितने भी बीच के बाथरूम में कपड़े थे पूरे कपड़े ले आए, इनको भी अब धूप में डाल देते हैं। चाय पीने के बाद ना 20 मिनट हम धूप में बैठ गए थे, तो बस यही मन कर रहा था कि अब धूप में ही चटाई डाल करके आराम से लेट जाएं। वैसे भी ना आपकी दीदी के पैरों में ना गलारी लगी हुई है, गलारी यार कहीं रुकती नहीं, क्योंकि हम आज तक अपने जीवन में ना दोपहर में कभी आराम किए ही नहीं है, ठंडी हो या गर्मी हमेशा चलते रहते हैं। और चलने में हमारे लिए सही भी रहता है, रात में ना बहुत ही अच्छी वाली नींद आती है, कभी एक बार भी नींद खुलती नहीं है। जैसे ही हम 9:30-10 बजे सोते हैं तो हमारी 3:30 बजे ही आँख खुलती है। तो यहाँ पर हम कपड़े भी डाल दिए, आराम से बैठ गए, बच्चों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, देख रहे हो कौन? ज्यादा नहीं डाली, आराम से बालों में बिल्कुल मत लगाना। क्यों? नहीं, कड़ुआ तेल बहुत फायदेमंद है। बचपन में ऐसे करती थी तुम्हें, भैया को खूब मैं लहसुन खिला देती थी, पता है फ्लेवर आ रहा है मम्मा इसका। और क्या, टेस्ट मुंह में आता होगा ना? हाँ। कान नाक सब एक रहता है। गोविंद को भी बुलाओ। जी जी, आप भी डलवा दीजिए। सुनाई नहीं देगा अभी। लाओ कृष्ण, आपको भी लगा डालू कान। चलो चलिए घर का साफ तो करो। अरे अभी नहीं। काना कुछ चुका हुआ था, दूध उबा तू भैया का। बचपन में ऐसे ही बचपन में तेल डालो और बोलो तुम्हें मौत है। अच्छा लग रहा है ना? दोनों के तो कान में डाल दिए तेल, लेकिन गोविंद ना बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। करे माँ, तेल डालते समय खुजलाहट होगी। हमने कहा बहुत ही अच्छा लगेगा, और डलवाओ ना। और ऐसे भी ना गाइस,
ठंडियों में कड़वा तेल बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों के कान में डालिए, सर में लगाइए। लेकिन ये लोग ना कड़वा तेल से बहुत दूर भागते हैं। करे माँ, सर में खुजलाहट होने लगती अगर कड़वा तेल लगाओ तो। आज तीनों के ना अच्छे से मसाज किए हैं, कानों की और सर की। इसके बाद अपने जो डेली वाले काम हैं, झाड़ू पोछा वाले, वो भी कर लेते हैं। तो ये हम दोपहर में हमेशा ही करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते होंगे कि सुबह यहाँ के काम हमारे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पापा जी, सासू माँ, बच्चे सभी लोग रहते हैं। इस समय तो हमारी सासू माँ गई हुई हैं अपने मायके घूमने, और आजकल ना वो अपने मायके में खूब घूम रही हैं। तो यहाँ पर जितने भी बिस्तर वगैरह थे सब फोल्ड करके रख देते हैं। अब हम लगा लेते हैं झाड़ू, और ये चटाई को भी धूप में डाल देते हैं। और वैसे भी ना 2 दिन में यहाँ पोछा लगाते हैं, लेकिन झाड़ू तो डेली ही लगाते हैं, तो जल्दी अपने सब काम कर लेते हैं। और आज ना बच्चों को भी बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये स्कूल नहीं जाते ना तो बहुत ही देख रेख इनकी करना पड़ता है ना, ऊपर नीचे ना दौड़ भाग करते रहते हैं। और इसके बाद ना ये हमारी मायके की लैया है, रखी हुई थी, काफ़ी लैया ले आए थे, तो बीच में भून भून करके इसकी हमने नमकीन भी बनाया है। लेकिन एक दिन तो नमकीन बनाए थे तो एकदम से लैया ना सिकुड़ गई थी, तो हमने सोचा कि ये सिड़ाई हुई लैया है, इसको धूप में डाल देते हैं तो अच्छे से हमारी लैया सूख जाए। लेकिन आज ना बहुत ही तेज़ वाली धूप है, तो जैसे हमने डालना शुरू किया ना कि देखा इसमें आटा है, तो लैया को ना अच्छे से चाल लेते हैं। जब चाल रहे ना तो इसमें काफ़ी आटा निकला था। लैया की नमकीन ना तो बहुत ही फायदेमंद है। देखिए पहले ना गांव में लोग क्या करते थे कि सुबह 8 बजे भोजन कर लेते थे, और इसके बाद ना 3-4 बजे का टाइम रहता था। ये लैया है, नमकीन है, और चना की बहुरी है, काले चना की भुना हुआ, तो यही सब खाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में ना हम लोगों के पास ना बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। आज की ना धूप इतनी तेज है कि उतनी लैया चलते चलते ना तो हालत ख़राब हो गई। हमने सोचा चाल करके डाल देते ना, उसमें ना नीचे थोड़ी थोड़ी ना आटा दिख रहा था, तो डाल दिए हैं, सूख जाएगी ना। क्योंकि एक दिन ना लैया हमने तल करके बनाए थे, तो जैसे ही लैया को डाले ना एकदम से सिकुड़ गई थी। तो हमने सोचा पता नहीं क्यों सिकुड़ गई है, तो मीना से पूछे तो मीना कह रही थी लैया सिराई हुई होती है ना, तो इसी तरह होता है, अगर तेल ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे ही लाई सिकुड़ जाती है, अगर लैया सिराई होती है तो वैसे सिकुड़ जाती है। तो पहले से ना हमको पता नहीं था, इसीलिए हमने सोचा इसको धूप में डाल देते हैं, फिर बना लेंगे इसकी नमकीन। क्योंकि ये वाली नमकीन ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। भून करके बढ़िया सब रख दो। इसके साथ है मूँगफली के दाने हैं, और ये है, और थोड़ा सा मोटे वाले सेव आओ तो उनको भी डाल दो तो सही रहता है, करी पत्ता वगैरह डाल करके। इसकी रेसिपी ना तो आप लोगों के साथ हमने कई बार शेयर किया है। देखिए अब किसी दिन फिर बनाएंगे, आज तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अब किसी दिन बनाएंगे, धूप में सूख जाए अच्छे से हमारी लैया, तब फिर बनाते हैं। चलो बच्चा पार्टी, दोपहर में क्या बनाएं, तहरी बना ले? कुछ भी का मतलब क्या? अजवाइन वाला आटा रखा है, उसी की पूड़ियाँ बना ले, कचौड़ी। अजवाइन वाला आटा रखा हुआ है, उसी की कचौड़ी बना ले रहे हैं, ठीक है, चलो बना लेते। हमने सोचा सुबह तो इन लोगों को कचौड़ी हमने खिलाया ही है, दोपहर में हम बना लेते हैं यहाँ पर तहरी। तो चावल भी हमने धुल लिया है, और आलू भी छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं, थोड़ी सी हमने मटर भी निकाल लिया है। और यहाँ पर जल्दी भून लेते हैं आलू, इसके बाद डालते हैं मटर। और बच्चों का कहना है कि माँ जा करके आप महोत्सव घूम आइए, हम तो नहीं जाएंगे, हम लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस हम लोगों की बस तैयारी बन ही रही है। पहले तो हम सोच रहे थे अभी कौन जाए, क्योंकि अभी महोत्सव रहेगा, लेकिन हमारी देवरानी रीता का फ़ोन आ रहा था, कह रहे थे भाभी चलिए घूम करके आते हैं। तो यहाँ पर जल्दी डाल देते हैं पानी, और 2 सीटी में हमारी तहरी भी पक करके तैयार हो गई थी। अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं जल्दी, बच्चों को भोजन भी करा देते हैं। हम लोग जा रहे हैं सब लोग घूमने, यानी हिंदुस्तान महोत्सव। रीता, मीना और हमारी दीदी जी सब लोग हैं साथ में, हम लोग भी घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे। और टाइम ना 3:30 बज रहे होंगे ना, 3 बज रहे। सो गाइज हम लोग आ गए हैं महोत्सव। कितने सुंदर सुंदर हैं बेड शीट वगैरह हैं, सूट हैं, साड़ियां हैं, बहुत सारा आइटम हैं। आप लोग अगर लखनऊ से हैं, अगर आप लोग भी लखनऊ मतलब घूमने आए हैं महोत्सव, तो आप लोगों को खुद पता होगा। अगर नहीं आए हो तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा आइटम इस बार आया हुआ है महोत्सव में। अच्छा ये 50 में वो डोसा चटनी वटनी है तो ले रही हूँ, कैसे देख रहे हैं कर सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं इसमें, मतलब नहीं जा फ्राई कर सकते हैं। डोसे भी है छोटा छोटा। मम्मी यार खबर ना देखो सही का होगा।
है ना। इतनी सब में कुछ भी है ये छोटा वाला है कौन से रंग वो देखो सामने छोटा वाला लग रहा महोत्सव घूमने में ना अकेले नहीं अच्छा लगता, कई लोग रहो ना तभी अच्छा लगता है। कोई कुछ ले रहा तो कोई कुछ ले रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतनी खुशी मिल रही है कि पूछिए नहीं। हम लोग ना थोड़ी बहुत सामान सब ले लिए हैं, इधर जा रहे हैं कहीं उधर जा रहे हैं। आइसक्रीम खाओगे ठंडी में? और इनका सरप्राइज क्या है? इसका प्राइस 500 के दो। और हमारी बहन भी मिल गई, सब लोग घूम लेते हैं। चलो झूला झूलते हैं, झूला झूलते हैं। कहाँ बकवास। आज हमारी भूली भटकी बहनें ना सब मिल रही हैं हमको। पहले हमारी ये बहन ये बंगला बाजार में रहती थी लेकिन अब तेलीबाग में रहने लगी हैं। लेकिन मिल करके इतनी खुशी हुई, हमने कहा अच्छा हुआ कि आज हम महोत्सव आ गए, कितने भूले भटके लोग यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। और जब वो लोग मिल जाते हैं ना तो ऐसे लगता है सबको गले लगाते रहें, बहुत ही खुशी मिलती है। एक बहन से मिले, दूसरी बहन से मिले, तीसरी बहन मिल गई। आज हमारे जितने भी भूले भटके हमारी बहन सब मिल गई यहाँ पर। दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए प्लीज। ये दीदी बहुत अच्छी है। आज सब लोग घूम रहे हैं, आज हम लोग बहुत हम लोग कुछ ले नहीं रहे, बस हमने क्या लिया देखो अपने बात करके लिए। इसको हमने लिया है और कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ हम घूम रहे हैं आज। और बहुत इंजॉय है यहाँ पे। हाँ आप लोग भी आ जाइए, हम लोग अभी घूम रहे हैं। फ्रेंड ने भी हमारी पर्स लिया। न्यू बैग कैसी लग रही है? अभी नहीं आया क्या? नहीं, हमने भी ये भी ले लिया। खुश रहो, खुश रहो। अरे बच्चों से नव्या बेलना हम लोगों ने ले लिया, बेलना। अक्सर ना मेरे बच्चों से जब मेरा झगड़ा होता है मेरे बेलना ही टूटते हैं। रेडी चलता रहेगा। अगले संडे वाले अम्मा कोई खाते पकड़ो, हम लोग मत नहीं आई कुछ मतलब न्यू ईयर छू गई का। गाइस शाम के अब 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं घूम फिर करके। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिए हैं, बस यही लिए हुए हैं और इस व्लॉग को एंड भी करेंगे। आप लोग भी आइएगा, अगर लखनऊ में हैं आप लोग या लखनऊ के बाहर हैं तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा हिंदुस्तान महोत्सव घूमने। हम लोग तो आज खूब घूमे, पूरा 3 घंटे घूमे हैं, बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। सो गाइस इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। व्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपने बुआ दीदी को प्यार देते रहिए। और आज ना इतने लोग मिले, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग मिल जाएंगे। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।